मेरा नाम श्यामलाल लोहिया फ्रॉम जैसलमेर विलेज मौनगढ़। मैं SFD जिला फैलो हूँ। मैं जब पढ़ता था तब भी जातिवाद होता था। हॉस्टल में पढ़ते थे, JNV में, वहाँ पे भी ऊपर जाति वाले और नीचे जाति वाले बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। अध्यक्ष बनने के लिए, खान पान के लिए, पानी के लिए भी, बर्तनों के लिए भी मारपीट भी होती थी। उस दौर में भी हम पढ़े, फिर धीरे धीरे हमें भी संवैधानिक का ज्ञान हुआ तो हम अपने मूल्यों के लिए लड़े और लोगों को भी जागरूक किया। हमारे ऐसे भी दोस्त के साथ भी एक घटना हुई थी जिसको एक उस समाज के लोगों ने उनको मारा पीटा था सिर्फ पानी पीने के लिए। फिर भी हमने जागरूक होकर संगठन बना कर उनके ऊपर केस किया, फिर उस केस को आगे ले गए। अभी वो केस चल रहा है। बहुत से मृत्यु भोजों के अंदर पुलिस को बुला के बंद भी करवाया, फिर धीरे धीरे समाज के लोगों ने जागरूक होकर उनके खर्चे पानी कम किए। ये अम्मल डोडा वगैरह ये भी चलते थे, उनको भी कम किया। किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते थे तो दिल खोल कर लिखते थे, हमें डर नहीं होता था कि हम उस काम का हिस्सा है, उस अभियान का हिस्सा है जो हमारे साथ खड़ा है। हम कभी डरते नहीं थे। ऐसे हमने सचिवों के खिलाफ, यहाँ तक कि BDO के खिलाफ भी शिकायतें लिखी है, उनके मुंह पे जवाब दिया है। वो देने का कारण यही है, हमारे पीछे जो SR अभियान का हिस्सा है ना, उसी से हमें ये मजबूती मिली। बाकी पहले हम कभी सरपंच के खिलाफ नहीं बोलते थे। उन संविधान में जो लिखा है उन्हीं अधिकारों के तहत हमें जीने का, ऊपर उठने का, पानी पीने का, बोलने का, पढ़ने लिखने का सब अधिकार मिले हैं। लोगों को पेंशन मिलने का अधिकार, काम मिलने का अधिकार, ये सब संविधान के तहत ही मिले हैं। बाकी तो पहले कौन काम देता था, कोई नहीं देता था। हाथ से पानी भी नहीं पिलाते थे, लोटा छूना तो दूर की बात है। दुकान के अंदर है ना, वो भी गिलास नहीं देते थे, ऊपर करके पानी पिलाते थे। संविधान में हक है हमारा, इसीलिए हम सब समाजों के बीच में बैठ के खाना भी खा लेते हैं। ऐसी है कि होटल में जाए, भले उसकी थाली में ना खाएं लेकिन पास बैठ के तो खाते हैं। इतना अधिकार हमें संविधान से मिला है। बहुत बदला हुआ पहले 70 सालों से। पहले क्या था, कुछ नहीं था। यहाँ पे जंगल भीड़ था। भारत में सुई नहीं बनती थी, ना सुई बनती थी, हवाई नहीं बनता था, सब चीज़ बनती है। और यहाँ पर तो पानी पीने का भी नहीं था। कुएं में से पानी निकालते थे, 100 किलोमीटर दूर जाके जाना पड़ता था, और नल खोलते तो पीने का पानी आता था। और इंदिरा गांधी नहर का यह अंतिम शोर है जैसलमेर। अगर इंदिरा गांधी नहर यहाँ नहीं आते ना तो ये जैसलमेर तो अभी भी सूखा और वीरान होता है। इसी नहर से पानी पीते हैं और खेती भी करते हैं और अपनी आजीविका भी चलाते हैं, और बाहर के लोग आकर यहाँ पे मजदूरी करते हैं, किसानी खेती भी करते हैं।